नमस्कार दोस्तों, बीएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट पेपर को हम देखेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, सब मेरे साथ जुड़ जाते हैं। आज हम बात करेंगे बौद्ध दर्शन के मूल तत्वों के बारे में। इसके अंतर्गत जो है हम तीन चीज़ों को दिखाएंगे, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं तत्व मीमांसा को। गौतम बुद्ध जीव जगत आत्मा परमात्मा के विषय में कुछ निश्चित रूप में जो है नहीं बताया। उनका मानना था कि निर्वाण की प्राप्ति के लिए इनके ज्ञान की न तो आवश्यकता है और न ही तात्कालिक या व्यवहारिक मूल्य है। बौद्ध दर्शन आत्मा और ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता था, परंतु पुनर्जन्म और मोक्ष की अवधारणाओं को यह मानता है। इसकी वजह से बौद्ध दर्शन को अनात्मवादी यानी कि जो आत्मा को नहीं माने एवं अनिश्वरवादी जो कि ईश्वर को नहीं माने दर्शन भी कहा जाता है। उनका यह भी मानना था कि संसार में जो भी वस्तुएं पाई जाती है वह क्षणिक है, कुछ भी नित्य नहीं है। ये उनका जो है तत्व मीमांसा में ये बताए। अब जो है दूसरा ज्ञान मीमांसा। बौद्ध धर्म का ज्ञान मीमांसा तर्क व युक्ति के आधार पर है, जिसका मुख्य केंद्र बिंदु प्रतीत्य समुत्वाद के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका अर्थ है संसार की सभी वस्तुएं किसी न किसी कारण से जो है उत्पन्न हुई है और वे जो है इस प्रकार इस पर निर्भर है। यानी कि संसार में एक वस्तु नष्ट होता है तो दूसरे की जो है उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार कार्य कारण श्रृंखला का जो है प्रवाह चलता रहता है और संसार का जो है सभी दुख इसी श्रृंखला से उत्पन्न होता है। अगर कारण को हटा दिया जाए तो कार्य अपने आप बंद हो जाएंगे, अविद्या का जो है नाश हो जाएगा और ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, जिससे मनुष्य सुखों की प्राप्ति कर सकता है। अब है तीसरा मूल्य मीमांसा। आर्य सत्यों की खोज और दुखों की निवृत्ति के लिए जो है अष्टांगिक मार्ग बताए। बौद्ध दर्शन में तीन मूल्यों को बताया गया, जिसे त्रिरत्न भी कहते हैं। इसका जो है सील का अर्थ है सात्विक कर्म, दूसरा है समाधि चित्त की एकाग्रता, तीसरा है प्रज्ञा का अर्थ है सत्य का खोज यानी सत्य का जो है साक्षात्कार, जिसमें कि सदाचार का विशेष महत्व है। ज्ञान की पूर्ण प्राप्ति तभी संभव है जब व्यक्ति सदाचार हो। बौद्ध दर्शन के मूल्य मीमांसा में सील समाधि प्रज्ञा को जो है महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये था बौद्ध दर्शन के जो है मूल तत्व। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि दूसरे तक भी पहुंच सके।